वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी जानकारी वाला वीडियो है। और हम उन लाखों सब्सक्राइबर को तहे दिल से शुक्रिया कहेंगे जो पेशेंस के साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अब तक बने हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसरो ने कहा कि लैंडर विक्रम 2 2 सितंबर को ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा और 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए चंद्रयान 2 को चंद्रमा की कक्षा में मंगलवार को सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। अंतरिक्ष एजेंसी के बेंगलुरु मुख्यालय ने एक बयान में कहा कि लूनर ऑर्बिट इंसर्शन LOI प्रक्रिया सुबह 9:02 पर सफलतापूर्वक पूरी हुई। प्रणोदन प्रणाली के जरिए इसे संपन्न किया गया। इसरो ने कहा यह पूरी प्रक्रिया 1738 सेकंड की थी और इसके साथ ही चंद्रयान 2 चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। इसरो अध्यक्ष के सीवन ने कहा कि इस दौरान 30 मिनट तक उनकी धड़कनें तक रुक गई थी। इसरो ने कहा कि इसके बाद यान को चंद्रमा की सतह से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर चंद्र ध्रुवों के ऊपर से गुजर रही इसकी अंतिम कक्षा में पहुंचाने के लिए 4 और कक्षीय प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि इसके बाद लैंडर विक्रम 2 सितंबर को ऑर्बिटर से अलग हो जाएगा। इसरो ने कहा कि 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले लैंडर संबंधी 2 कक्षीय प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। बेंगलुरु के नज़दीक बेयालु स्थित इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क IDSN के एंटीना की मदद से बेंगलुरु स्थित इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRAC के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स MOX से यान की स्थिति पर लगातार नज़र रखी जा रही है। इसरो ने कहा कि अगली कक्षीय प्रक्रिया बुधवार को दोपहर 12:30 से 1:30 तक के बीच की जाएगी। देश के कम लागत वाले अंतरिक्ष कार्यक्रम को पंख लगाते हुए इसरो के सबसे शक्तिशाली 3 चरण वाले रॉकेट GSLV MK3 M1 ने आंध्र प्रदेश के हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से 22 जुलाई को चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया था। प्रक्षेपण के बाद चंद्रयान 2 ने गत 14 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रपथ पर आगे बढ़ना शुरू किया था। इसरो का यह अब तक की सबसे जटिल और सबसे प्रतिष्ठित मिशन है। यदि सब कुछ सही रहता है तो रूस यानी रसिया, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4th देश बन जाएगा। चंद्रयान 2 मिशन भारत के लिए इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चांद के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में अभी तक कोई देश नहीं पहुंचा है। इससे पहले गत 15 जुलाई को रॉकेट में तकनीकी खामी का पता चलने के बाद चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण टाल दिया गया था। समय रहते खामी का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने इसरो की सराहना की थी। चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में उतरेगा जहां अभी तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। इससे चांद के अनसुलझे रहस्य जानने में मदद मिलेगी। यह ऐसी नई खोज होगी जिसका भारत और पूरी मानवता को लाभ मिलेगा।
पहले चंद्र मिशन की सफलता के 11 साल बाद इसरो ने भू स्थैतिक प्रक्षेपण यानी GSLV मार्क के जरिए 978 करोड़ रुपए की लागत से बने चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया। स्वदेशी तकनीक से चंद्रयान 2 में कुल 13 पेलोड है। 8 ऑर्बिटर में 3 पेलोड लैंडर विक्रम और 2 पेलोड रोवर प्रज्ञान में है। लैंडर विक्रम का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के नाम पर रखा गया है। दूसरी ओर 27 किलोग्राम वजनी प्रज्ञान का मतलब संस्कृत में बुद्धिमता है। ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा और पृथ्वी तथा चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम के बीच संकेत प्रसारित करेगा। लैंडर विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। प्रज्ञान नाम का रोवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित 6 पहिया वाहन है। इसरो के अनुसार चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव रोचक जगह है जहां उत्तरी ध्रुव के विपरीत अंधकार छाया रहता है। तो छात्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नया वीडियो हमारा मिलता रहे, और बगल में घंटे का बटन दबा दें ताकि हम जैसे ही वीडियो को अपलोड करें आपको इसकी सूचना मिल जाए। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें।